चार चिकन शिनवारी। सबसे पहले हमने चिकन ली है, ये धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है, ये जीरा है और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट का पानी है। दो टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और हसबे ज़रूरत हल्दी, रेड पेपर और नमक है। और तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें डालने लगे हैं ऑयल। आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं जितना आप डालना चाहें। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें हमने कोई प्याज नहीं डाला अभी। अभी ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ये अच्छे से फ्राई होगी। हमारी गर्म हो चुकी है तो हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। साथ चेक करते रहेंगे ये ना हो कि हमारा लहसुन जो है वो जलना शुरू हो जाए। इसको हमने यहाँ अच्छे से फ्राई करना है। इसका कलर भी वाइट है, बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए इसका कलर, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं और ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चीज़ें डालेंगे, ऐड करेंगे ये सीधा धनिया पाउडर, इसको हमने पीस लिया था, ये पाउडर की जरूरत नहीं है वैसे। नमक आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा जितना आप यूज करते हैं। इसको अच्छे से आपने यहाँ से मिक्स करना है। अच्छे से फ्राई कीजिएगा तो इससे स्मेल नहीं आएगी, वरना चिकन में स्मेल रह जाती है हमेशा। ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे
ये अदरक लहसुन को हमने जूसर में वो कर लिया था, तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये हम ज्यादा नहीं डालेंगे बस। और अब हम इसको यहाँ पे पकने देंगे चिकन को इसी के पानी में। आप देखिएगा इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होगा। आप खाली पानी में डालिएगा, अदरक लहसुन का ही पानी डालिएगा। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक इसका ये पानी ख़त्म हो जाएगा। और जो आन फ्लेम है वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल रखिएगा, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा स्लो। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे हमारे चिकन पे कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, गोल्डन सा। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हम टमाटर डाल रहे हैं इसमें और हरी मिर्च। टमाटरों को आपने इसी स्टेज पे डालना है, इसमें हल्का हल्का पानी होना चाहिए, ये जो टमाटर हैं ये इसी में गल जाएंगे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर पानी भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी हम इसको बंद कर रहे हैं 5 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर गल जाएं फिर हम खोल के आपको दिखाते हैं। जी तो हमारे टमाटर हम चेक करते हैं, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। और हम अब हम इसकी तेज़ आंच करके अच्छे से हम इसको भूनेंगे। अब जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल पक चुका है, हमने सिर्फ इसको भून के इसमें बस लास्ट में चीज़ें ऐड करनी है। इसमें हम थोड़ा सा जो हम मसाला ऐड कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा ये सिक्का भी ऐड करेंगे और इसका तो क्या ही बेहतरीन टेस्ट आता है, ज़्यादा नहीं लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक हमारा ये जो पेस्ट है ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाता। ये हमने भून दिया था और हमने 2 मिनट इसका ढक्कन बंद कर दिया था। अब देखें आप, इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम इसमें हल्की सी काली मिर्च डालेंगे। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाली थी, मिर्चों में हल्का थोड़ा सा कट लगा दिया हमने, और ये अदरक। और अब हम इसमें लास्ट में धनिया पुदीना डाल देंगे। आग हम बिल्कुल स्लो कर दिया हमने और ये हमारी मज़ेदार चिकन चिंगारी बिल्कुल रेडी है। हमने आग भी बंद कर दी और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो चिकन का कलर है वो कितना ही ज़बरदस्त है। और ये ग्रीन चिली तो बिल्कुल लास्ट में आप इसको जब बंद कर देंगे तो ये उसमें पक जाएगी बिल्कुल मज़ेदार सी।